हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज ये एक शॉर्ट रीडिंग है और इसमें मैं ये देखने की कोशिश करूंगी, मे बी बहुत से लोग जो हैं इस टाइम अपने लाइफ पार्टनर की एक तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं उस चीज़ को कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ठीक है। या फिर कई लोग क्या है, कई लोग किसी अपने क्रश के लिए या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए वो फीलिंग्स रखते हैं, प्रपोज़ नहीं कर रहा, या वो मतलब उनको प्रपोज़ किया है या नहीं करा, जो भी अलग अलग सिनेरियो से लोग हो सकते हैं। लेकिन उनको ये एक जानना है कि उनका जो वुड भी है, जो वो चाहते हैं, जैसे अब मान लो कोई कई लोग जो है बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं या गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, और कई लोग हस्बैंड के लिए, हस्बैंड कैसा होगा वुड भी, ठीक है। तो मेरी रीडिंग का यही टॉपिक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, होने वाले पार्टनर, मतलब चाहे वुड बी, चाहे उनके बॉयफ्रेंड, चाहे लवर, चाहे हस्बैंड वाइफ, अपने हिसाब से ले लेना। देखो मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, अपने जेंडर के हिसाब से। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो जैसा रेजोनेट करे, हो सकता है आप पूरा आपकी एनर्जी जो है आप इतना उससे होता है ना, जब हम बहुत बिलीव से किसी चीज़ को करते हैं तो वो चीज़ सच हो जाती है। तो अगर आप बहुत बिलीव से देख रहे हैं तो मे बी ये चीज़ सच भी हो सकती है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मैसेज मिल सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के वुड भी, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी, लवर्स या हस्बैंड वाइफ, मतलब एक प्रेम का रिश्ता जिनसे, जिनके साथ वो देखते हैं आगे अपनी लाइफ, प्लीज़ डिवाइन वो कैसे होंगे उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज कार्ड से। ओके, देखिए पहले पेज का कार्ड आया था, मैंने रख दिया, लेकिन अगेन पेज का कार्ड। देखिए ये एक ऐसा इंसान हो सकता है, इसके पास सब कुछ होगा, मतलब फाइनेंशियली भी साउंड होगा, रिस्पेक्ट भी होगी, ठीक है, इसकी लाइफ भी एक फैमिलियर होगा, लेकिन ये इंसान में एक कमी होगी। देख लो बॉटम में भी पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड, यही कार्ड मैंने अंदर रखा, दोबारा से आ गया। देख लो नीचे फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कि जिस इंसान से आपकी शादी होगी, वुड भी जो भी शादी होगी, या स्टेबिलिटी या न्यू बिगनिंग या प्यार का रिश्ता या क्रश या जो भी, ये कैसा होगा जिसके लिए आप सोच रहे हैं या सोच नहीं रहे हैं, अभी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए तो वो कैसा होगा, ठीक है। ये सब लोगों से रेजोनेट होगा। ये इंसान पक्का है कि ये इमेच्योर होगा रिश्तों को लेके। ये इंसान छुप छुप के, मे भी हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा इंसान हो भी जो आपको छुप छुप के देखता है, छुप छुप के आपको नोटिस करता है, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे वैसे आपसे बात करना चाहता है, आपको अपने इमोशन शो करना चाहता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। ये इंसान में भी हो सकता है, या आप मैरिड हो, या ये इंसान मैरिड भी हो सकता है, ठीक है, या आप भी मैरिड हो सकते हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है। ये इंसान या तो किसी मैरिज में से निकल के आपकी तरफ आ रहा है, या फिर अगर अनमैरिड है या मैरिड है, ये इंसान है थोड़ा इमेच्योर, ठीक है जी। सन का कार्ड है, तो ये जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप पूछना चाह रहे हैं, ये एक स्टेबिलिटी चाहता है आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग चाहता है। अब हमारा क्वेश्चन था कि ये कैसा होगा, इसलिए हमारी रीडिंग का टॉपिक है। देखो तीन तीन पेज के कार्ड, ये इंसान जो है पैसे वाला, मैंने बोला ना आपको, इसके पास शोहरत होगी, इज्जत होगी, अच्छा फैमिलियर होगा, एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ये जो बात इसके मन में होगी ये तुरंत आपके मुंह पे बोल सकता होगा, ठीक है जी। ये इंसान पैसे वाला भी होगा, ये हो सकता है इनकी फैमिली जो है एक जॉइंट फैमिली हो, ठीक है। जिस इंसान, जॉइंट फैमिली का मतलब ये नहीं होता कि बहुत दादा दादी चाचा चाची सारे रहते हो, मतलब एक ऐसा फैमिलियर इंसान होगा जहाँ पे हो सकता है आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, ऐसी इस टाइप की फैमिली में आपकी मैरिज होगी। ये लोग फाइनेंशियली साउंड होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये ऐसे इंसान होंगे जो भी आपकी, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, जिसके लिए सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एक अप डाउन्स देखे होंगे लाइफ में, मतलब क्रूशियल टाइम को भी फेस करके ये लोग आगे बढ़े होंगे, ऐसी फैमिली होगी जिन्होंने अप डाउन्स देखे होंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के जो वुड भी हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, चाहे लवर लवर्स के लिए देख रहे हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है, अपने वुड भी के लिए,
तो प्लीज़ बताएं इनका क्या, किस टाइप का कोई प्रोफेशन किस टाइप का होगा। ओके, देखिए ये इंसान हो सकता है ओवरसीज से हो, या ये इंसान आपसे किसी दूसरे शहर या दूसरे कंट्री में रहता हो, ये इंसान ऐसा हो सकता है जो वर्ल्ड वाइड घूमा हो, या फिर ये इंसान ऐसा हो सकता है जो आपका एक्स है और एक आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है। देखो सबके साथ एक ही चीज़ रेजोनेंट नहीं होगी, सबका अलग अलग सिनेरियो होगा, ठीक है। मैं आपको एक जो मुझे दिख रहा है वो मैं बोल रही हूँ, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मैं यहाँ आपकी जो एनर्जी देख रही हूँ ना, वो बहुत ही आपको इस चीज़ की बहुत एंजाइटी है कि आपका पार्टनर आपका वुड भी कैसा होगा, तो आप एंजाइटी टेंशन ना लें। कुछ लोग मुझे यहाँ एक सिग्निफिकेंट मुझे मैसेज आ रहा है एंजल की तरफ से कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी ओवर एज हो चुकी है शादी के लिए, ये सोच रहे हैं कि कैसा होगा उनका पति, और उनको ये भी लगता है कुछ लोगों को कि अब शादी की उम्र नहीं रही, अब क्या फ़ायदा शादी करने का। यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट किसी के लिए होगा, लेकिन है मुझे बताना कमेंट में किसके साथ मैच हुआ है। कि प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी ये देख रहे हैं, उनके वुड भी जिसके लिए भी वो चाहते हैं ये रीडिंग देखना, वो किस टाइप के, क्या नेचर होगा, क्या प्रोफेशन होगा। ओके, देखिए ये जो इंसान है, मैंने जैसे आपको बताया कि इसके पास होगा सब कुछ, लेकिन थोड़ी मैच्योरिटी होगी, और इनकी जो फैमिली होगी वो ऐसी होगी कि उन्होंने अप डाउन्स देखे होंगे। ये नहीं होगा कि पुश्तों से अमीर ही चलते आ रहे हैं या गरीब ही चलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं, अप डाउन्स फेस किए हैं लाइफ, ठीक है। आप जो हो मुझे इस टाइम काफ़ी एक स्टक सिचुएशन में नज़र आ रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको मैं यहाँ देख पा रही हूँ। देखो आपका ये मैरिज रिलेशन है, चाहे आप मैरिज वुड बी के लिए देख रहे हो, चाहे जिसके लिए भी देख रहे हो, आपको लग रहा है कि आप ना एक ट्रैप्ड कंडीशन में हो, आप अपने आप को बंधा बंधा सा, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, फोर ऑफ सॉर्ड और एट ऑफ सॉर्ड की। ओके, देखिए यहाँ पे भी टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये दिखाता है फैमिली को, तो ज़्यादातर लोग यहाँ अपने शादी अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं कि उनके हस्बैंड कैसे होंगे जिनसे उनकी शादी होगी, चाहे पहली शादी है, चाहे दूसरी शादी है, चाहे जैसे भी है, ठीक है। आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी जिससे भी आपकी शादी होगी, ठीक है, बच्चे भी होंगे फैमिली में, और ये इंसान आपके लिए इमोशंस रखता होगा, आपकी केयर करेगा, लेकिन ये इंसान भी किसी दुख से निकल कर बाहर आएगा। ये इंसान जैसे इस टाइम आप जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी टेंशन ले रहे हो ना, तो सेम सिनेरियो है, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ये इंसान भी आपके पास जो है किसी एंजाइटी टेंशन से निकल कर ही आप के पास आएगा। देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई इंसान अपनी शादी के लिए देख रहा है, तो बहुत सारे लोगों की शादी या तो कोई ब्लैक मैजिक या उससे ये द्वारा रोकी गई है कि ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो अपना चेक कराएं क्या है क्या नहीं है कुछ। मैं तो ऐसा नहीं करती, लेकिन जो लोग करते हैं उनसे पूछिए कि ब्लैक मैजिक जैसे होता है ना कि इसकी शादी ना हो, या मतलब इस टाइप से कुछ ऐसा या तो नज़र हो सकती है या कोई स्पेल या कुछ ऐसा ज़रूर किया गया है। क्योंकि देखिए ना इधर एक कार्ड हो तो मैं ना मानूँ, यहाँ तीन तीन कार्ड है जो एक नेगेटिविटी बिना बात की सोच टेंशन को दिखा रहे हैं, ठीक है, ट्रैप्ड होने को दिखा रहे हैं, बंधी हुई सिचुएशन को दिखा रहे हैं, डेविल एनर्जी जो एक ब्लैक मैजिक स्पेल को। तो आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपका जो पार्टनर है, आपका जो सोलमेट है, या आपका पति जो पत्नी जो है, एक अच्छा इमोशनल भावुक रिश्ता आपके जीवन में आए, तो प्लीज़ ये जो भी स्पेल मैजिक जो भी नज़र है इसका जो है इस सॉल्यूशन करवाएं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी आप लोगों की कि कैसे आपके वुड भी कैसे होंगे कलेक्टिव रीडिंग।